नमस्कार दोस्तों, धार्मिक तथ्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार आईब्रोस, जिसे हम हिंदी में भौं कहते हैं, इनका भी व्यक्ति के स्वभाव और प्रवृत्ति को बताने में बहुत बड़ा योगदान है। आइए जानते हैं कुछ आईब्रोस के प्रकार और उनसे जुड़े लोगों के स्वभाव को। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि आईब्रोज अगर घुमावदार हों तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी सज्जन, व्यवहारिक, खुले विचारों वाले और क्रिएटिव होते हैं। वे काफ़ी घूमना फिरना भी पसंद करते हैं। अगर आईब्रोज सीधी हों तो ऐसे व्यक्ति महत्वाकांक्षी, सीधा बोलने वाले, कॉन्फिडेंट, दबंग और बिजनेस माइंडेड होते हैं। ये किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं करते। अगर आईब्रोज कोनेदार हों तो ऐसे व्यक्ति संवेदनशील, तेज, भावुक, उतावले और महत्वाकांक्षी स्वभाव के होते हैं। इनमें लीडरशिप क्वालिटी भी होती है, बट कभी कभी इनका इंटरेस्ट समय के साथ साथ अपने करियर और हॉबीज के प्रति कम होने लगता है। अगर ऐसी आईब्रोज लड़कियों की हों तो वह ज़िद्दी स्वभाव की होती हैं। आईब्रोज अगर एक दूसरे से जुड़ी हों तो ऐसे व्यक्ति के लिए ये एक बहुत बुरा संकेत है। ऐसे व्यक्ति बहुत छोटी छोटी बातों में अपना अपमान समझने लगते हैं और फिर उस इंसान को कभी माफ़ नहीं करते। ऐसे व्यक्ति बेफिजूल की बातों को सोचते रहते हैं और इसके कारण इनको हमेशा बेचैनी रहती है। ऐसे व्यक्ति भरोसेमंद भी नहीं होते और थोड़े मतलबी टाइप के भी होते हैं। दोनों आईब्रो के बीच में अगर गैप हो तो ऐसे व्यक्ति सज्जन, स्पष्टवादी और साफ दिल के होते हैं। ऐसे व्यक्ति भरोसे के लायक भी होते हैं और इनको दूसरों की मदद करना भी बहुत अच्छा लगता है। जब आँख और आईब्रो के बीच में ज़्यादा गैप हो तो उसे हाई आईब्रो कहते हैं। हाई आईब्रो वाले व्यक्ति समझदार और सिलेक्टिव होते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करते, बल्कि काम करने से पहले 10 बार सोचते हैं। ये किसी भी काम को करने से पहले उसका निरीक्षण करते हैं और तभी करते हैं अगर उसमें कोई फ़ायदा हो तो। ये अपने आप को खतरे में डालने से बचते हैं। जब आँख और आईब्रो के बीच में कम गैप होता है तो उसे लो आईब्रो कहते हैं। लो आईब्रो वाले व्यक्ति आत्मविश्वासी होते हैं, लेकिन इनमें उतावलापन भी बहुत होता है। ऐसे व्यक्ति अपने काम को जल्दी से ख़त्म करने की सोचते हैं और कभी कभी तो बिना सोचे कोई भी काम कर डालते हैं, जिसकी वजह से बाद में इन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे लोग काफ़ी आशावादी होते हैं, लेकिन विरोधी भी हो जाते हैं अगर कोई इनकी आलोचना करे तो। मोटी आईब्रोज वाले व्यक्ति बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत सारे काम एक साथ एक ही समय पर करने वाले होते हैं। यह मानसिक रूप से काफ़ी सक्रिय होते हैं और किसी भी काम को बड़ी उत्साह से करते हैं। ऐसे व्यक्ति विचारों से भरे रहते हैं और अपने चाहने वालों के लिए बड़े उदार और दानी होते हैं। पतली आईब्रोज वाले व्यक्ति भी काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, पर ये एकचित होते हैं और एक समय पर एक ही काम को करना पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने काम और करियर के प्रति थोड़ा कम उत्साही होते हैं। तो दोस्तों, फेस रीडिंग के तीसरे भाग में इतना ही। चौथे भाग में हम लोग जानेंगे नाक के प्रकार और उनसे जुड़े लोगों के स्वभाव को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही धार्मिक तथ्य लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।